शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर एली को लाइव स्ट्रीम पर अपने जलवे दिखाते हुए देखते हैं। एली 18 प्लस वाले लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म ghapaghap.com की सबसे पॉपुलर कैम गर्ल थी और उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। हर रोज सिर्फ 2 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करके एली इतना कमा लिया करती थी जितना एक आम आदमी साल भर अपनी एरिया रगड़ने के बाद भी नहीं कमा पाता है। एली अपने दोस्त पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड लोला के साथ एक भाड़े के घर में रहती थी। पीटर हमेशा लोला से यही डिस्कस करने में लगा रहता था कि आखिरकार कैमरे के सामने एली रात भर अपनी कमर मटका के कितना कमा लेती होगी। एली पीटर से कहती है कि मुझे इस काम को करने में बहुत मजा आता है, मैं इधर खुद को सहलाती रहती हूँ और उधर मुझे देखकर कुछ लोगों को अपनी हाथगाड़ी चलाने का मोटिवेशन मिल जाता है। अगर काम के साथ इसमें अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हो तो आखिरकार इसमें बुरा ही क्या है। फिर जब एली अपने एक दिन की इनकम बताती है तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। एली लोला और पीटर से कहती है कि मुझे अपने अगली वीडियो के लिए कुछ लोगों की जरूरत भी है, सो अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, बदले में तुम दोनों को पूरी अर्निंग का 50% मिल जाएगा। लोला और पीटर बिना देरी करे एली की बात मान लेते हैं और फिर तीनों मिलकर अपनी अगली लाइव स्ट्रीमिंग में लग जाते हैं। और जैसा कि एली ने कहा था, शाम होते होते उन दोनों को उनकी पेमेंट भी मिल जाती है। अब आगे के प्रोग्राम के लिए एली डिसाइड करती है कि वो एक फ्री फॉर ऑल लाइव स्ट्रीम करेगी जिसमें उसे कुछ अर्निंग नहीं होने वाली है। ये सुनकर लोला कहती है कि अगर हमने फ्री में ही सब कुछ दिखा दिया तो हमें क्या मिलेगा तंबूरा। तब एली लोला को बिजनेस का गोल्डन रूल समझाते हुए कहती है, देखो मैं पहले पब्लिक लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी बट सिर्फ 50%। अब क्योंकि ये फ्री होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी स्ट्रीम को देखेंगे और बाद में पार्ट 2 मैं अपनी प्राइवेट स्ट्रीम पर दिखाऊंगी जिसे देखने के लिए उन्हें मेरी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इससे मुझे नए मेंबर्स भी मिल जाएंगे और अपनी इनकम भी दुगनी हो जाएगी। एली के इस एक्सप्लेनेशन से पीटर और लोला दोनों को सब कुछ समझ आ जाता है। एक दिन जब एली लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है तभी अचानक उसके पीछे वाली दीवार टूट जाती है और वो अपने पड़ोसी के रूम में जा गिरती है। उस घर में उसकी मुलाकात मैथ्यू से होती है जो उसी दिन उस घर को किराए पर लेने आया था। एली मैथ्यू को देखते ही बेहोश हो जाती है। दीवार टूटने की खबर सुनते ही लैंडलेडी दौड़ते हुए वहां आती है और पीटर लोला और एली को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। दरअसल लैंडलेडी और पीटर के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी और आए दिन उन दोनों के बीच में कहासुनी होते ही रहती थी। लैंडलेडी मैथ्यू की मुलाकात एली और बाकी सभी से कराती है। मैथ्यू का अपना एक फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस था जिसमें वो आर्किटेक्ट का जॉब किया करता था। एली को पहले ही नजर में मैथ्यू से प्यार हो जाता है लेकिन पीटर उससे कहता है कि एली तुम्हें पता है ना पिछली बार तुम्हारा क्या हाल हुआ था, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं होते तो पता नहीं आज तुम जिंदा भी होते या नहीं। एली पीटर से कहती है कि हर लड़का मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के जैसा हो ये जरूरी नहीं है, मुझे तो मैथ्यू को देखते ही कुछ कुछ होने लगा था। लोला कहती है कि अगर मैथ्यू को तुम्हारे जॉब के बारे में पता चल गया तो जरूर हंगामा होगा। इस पर एली लोला को यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो मैथ्यू को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जॉब के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। एक दिन एली और मैथ्यू टूटे हुए दीवार को ठीक करने के लिए सुपरमार्केट से कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदने जाते हैं। वहाँ कुछ लोग एली को हाय हेलो कहते हुए उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर मैथ्यू को बड़ा अजीब लगता है। वो एली से पूछता है कि क्या वो दोनों लड़के तुम्हें जानते हैं, तो एली कहते हैं कि हाँ वो मेरे फैंस हैं, मैं कोई सेलिब्रिटी से कम थोड़ी दिखती हूँ। मैथ्यू को एली का बर्ताव काफी मजाकिया लग रहा था इसलिए वो उस वक्त उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। एली ने काफी शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी मर्दों की नजर एली के टांगों पर ही अटकी हुई थी। मैथ्यू भी यही नोटिस कर रहा था और वो एली को चेयर पर बिठाते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी फ्रॉक पहनकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, देखो सब तुम्हें कैसे गीत की तरह देख रहे हैं। एली कहती है कि तुम उन पर ध्यान मत दो, देखने दो उन्हें, मुझे इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शॉपकीपर भी एली का सब्सक्राइबर था जो हर दिन एली को स्ट्रीम करते हुए देखकर अपनी हाथगाड़ी चलाया करता था। एली को सामने देखकर उस शॉपकीपर की सांसें फूलने लगती है। इधर मैथ्यू के समझ में कुछ कुछ बातें आने लगी थी। वो एली से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि असल में तुम करते क्या हो। एली कहते है कि अभी नहीं, घर चलो फिर बताऊंगी। घर पहुंचकर एली अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जॉब के बारे में मैथ्यू को सब बता देती है। एली की असलियत जानने के बाद मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है पर अंदर ही अंदर वो एली की मजबूरी को समझ चुका था। मैथ्यू एली से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें तुम जो काम करती हो वो अच्छा लगता है। एली कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे करके किसी इंसान को सुकून मिलता हो, मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ पर ये मजबूरी में करना पड़ता है। एली को लग रहा था कि मैथ्यू उसे उसके काम की वजह से जज कर रहा है इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैथ्यू एली से कहता है कि मैं भला क्यों तुम्हें जज करने लगा, बस मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात शेयर करी। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और एली मैथ्यू से मिलना बंद कर देती है। दूसरी तरफ मैथ्यू जब अपने दोस्त डोंग को एली के बारे में बताता है तब डोंग मैथ्यू के ऊपर हंसने लगता है। डोंग मैथ्यू से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एली के कारनामों के बारे में नहीं जानते थे, इस शहर का बच्चा बच्चा एली का सब्सक्राइबर है और तुम उसके पड़ोसी होकर भी कुछ नहीं जान पाए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एली के साथ अब तक 4-5 बार घपाघप कर चुका होता। मैथ्यू को अब खुद बुरा लगने लगा था। वो भी अपना लैपटॉप खोलता है और एली की स्ट्रीम देखने के लिए 1 साल का मेंबरशिप खरीद लेता है।